अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। लेकिन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फिर जाएं वीडियो को करें पहले यहाँ पे स्टॉप और चैनल को सब्सक्राइब कर कर आएँ। और अब यहाँ पे करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। टाइम आप देख सकते हैं तकरीबन 11:20 हो रहे हैं और हस्बैंड आज बहुत लेट आए थे और यहाँ गया है नाश्ता। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मंगवाया था एवरीडे, मेरा जो है बड़ा वाला जो पाउच है एवरीडे का वो ख़त्म हो गया है। और मैंने ऑनलाइन अभी अपनी ग्रॉसरी ऑर्डर करी थी, तो संडे वाले दिन शायद सारे मार्ट्स और सब जितने भी शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो सब बंद थे, तो मेरी ग्रॉसरी नहीं आई। तो फिर इसलिए हस्बैंड जो ये है साशे ले आए। ये है गरम गरम सा नाश्ता। मैंने नाश्ता सुबह ही कर लिया था 7 बजे ही, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ। 12 बजे तक, 12:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ, तो फिर नाश्ता मेरा अर्ली मॉर्निंग ही हो जाता है। और फिर अभी हस्बैंड लेकर आए हैं गरम गरम सा नाश्ता, बहुत डिफरेंट सा नाश्ता है। आज आए हैं चॉकलेट चिप बिस्किट, जो कि बहुत गरम गरम मज़ेदार से लग रहे हैं। और इसके अलावा केक रस हैं, और यहाँ पर हैं आई थिंक पफ स्टिक्स हैं ये, और इसको निकालते हैं, ये कैरेमल पफ स्टिक्स हैं। और इसके अलावा एक और आई थिंक फ्लेवर दिख रहा है, और ये हैं चॉकलेट सेसमी सीड्स पफ स्टिक। इनके पास रेहान बेकरी पे काफ़ी तरह की पफ स्टिक्स होती हैं और ये बहुत मज़े की होती हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। तो आज का नाश्ता बहुत डिफरेंट है, ये कह लें कि आज का नाश्ता मीठा मीठा है। सब जल्दी से चलती हूँ, हस्बैंड को बना के देती हूँ चाय, और फिर उसके बाद मैं मुझे करनी है अपनी क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि आज हेल्पर नहीं आएंगी। संडे वाले दिन हेल्पर का ऑफ होता है, वो नहीं आती हैं। तो बस नाश्ता हस्बैंड को बना के दे दिया था और हस्बैंड अब थोड़ी देर सो गए हैं, और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। और बस अब मैं सबसे पहले तो करूँगी किचन को क्लीन, बर्तन वगैरह धोऊँगी, किचन को क्लीन करूँगी, और फिर उसके बाद मुझे घर की क्लीनिंग करनी है। और अब यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं 4:30 बज रहे हैं, और मैं अभी फ्री हुई हूँ क्लीनिंग वगैरह करके, क्योंकि कार पोच इतना बड़ा है उसको क्लीन करना, और फिर पीछे का जो हमारा जो हिस्सा होता है और किचन के साइड का वो पूरा क्लीन करना तो टाइम लग जाता है। और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपना लंच और शाम की चाय एक साथ लेकर। मैंने यहाँ पर कच्चे कीमे का एक कबाब लिया है, और इसके अलावा आलू टिक्की ली है, और दो मैंने अपनी पफ जो स्टिक्स होती हैं फेवरेट वाली वो ली हैं, क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे का नाश्ता किया हुआ था और सुबह मैंने पराठा खाया था, तो इतना ज़्यादा फिर अब मुझे भूख लग रही थी। तो बस अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मामा के घर, और मैंने आपको बताया ही नहीं कि आज हमें मामा के घर क्यों आना है, तो मैं आपको बताती हूँ। अभी तकरीबन शाम का 6 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ मामा के घर। हस्बैंड उठ गए थे, और मामा के वहाँ आज हम लोगों ने डिसाइड करा है कि आज हम यहाँ पे मिल के करेंगे बारबेक्यू पार्टी। तो बस इसलिए, और अब हम लोग सब जितने भी नहीं, हम लोग 3 ही भाई बहन हैं और एक मेरे हस्बैंड हैं, हम चारों लोग जब इकट्ठे होते हैं ना तो हम इतने ज़रूरी कोई टॉपिक पे बात करते हैं ना, हमारे पास एक ही वो टॉपिक है और वो बहुत 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 ज़रूरी है, तो हम उस पर ही बात करते हैं खाली। और बस अब यहाँ पर करते हैं बारबेक्यू की तैयारी। और जो सामने आपको घर दिख रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगे हैं, वो है अलाला का घर। अलाला हमारे सामने वाले घर में रहती है, और अब यहाँ पे सब मामा के जो बैक का जो टेरेस वाला एरिया है वहाँ पे हम करेंगे बारबेक्यू। और आप ये मेरी माशाल्लाह मेहंदी देख सकते हैं, ये मैंने रात में लगाई थी, ऐसे में बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलें मेहंदी लगा लेते हैं। अच्छा खैर, अब यहाँ पे चलते हैं फ्रिज से निकालते हैं बोटियाँ। ये मामा ने बिहारी बोटी का मसाला लगा के रखा है, और मैं घर से मलाई टिक्के लेकर आई थी, मैंने रात में ही मलाई टिक्कों का मसाला लगा दिया था कल रात में। संडे का ही व्लॉग है, सैटरडे नाइट में ही मैंने वो प्रिपरेशन कर दी थी, क्योंकि मेरा मूड था चिकन का कुछ खाने का, और मतलब बारबेक्यू में बीफ ना हो बोटियां ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए फिर मामा ने बीफ के मीट पे जो है मसाला लगा दिया था बिहारी बोटी का। अब बस यहाँ पे हस्बैंड और भाई वगैरह मिलके जो है कोयलों को लगा रहे हैं आग, क्योंकि आग लगाने का काम तो वैसे भी मर्द हजरात का ही होता है ना। अच्छा खैर, अब यहाँ पे मैं बैठी हूँ और जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कितने मज़ेदार सा मामा ने मसाला लगाया है, और ये वाकई बहुत मज़े की बनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी बनी थी ये। और अब जल्दी से सीखें लेते हैं और उसमें जल्दी से इनको लगाते हैं,
और फिर हम करेंगे मज़ेदार सा बारबेक्यू। अच्छा, बारबेक्यू करने का प्लान हमारा जो है मामा की छत पे था, जो कि रूफ टॉप है उस पे था, लेकिन बारिश का कुछ पता नहीं है। आपको पता है कराची में एक अच्छी वाली बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन क्या है वो जो मूनसून चलती रहती है ना, तो उसकी वजह से हमने छत का प्लान कैंसिल कर दिया था। हम देखा कि नहीं, रहने देते हैं, हम नीचे ही टेरेस पे कर लेंगे बस इसलिए। और अब यहाँ पे भाई और मैं मिलके लगा रहे हैं सीखों पे बोटियाँ। ग्लव्स हमने पहन लिए हैं क्योंकि एक तो हाइजीन का भी ख्याल रखना होता है, और इसके अलावा आपको पता है जब हम बोटियाँ लगाते हैं तो हाथों पे काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, और मेरा हाथ वैसे भी साइड से हल्का सा कट हुआ हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम ग्लव्स पहन लेते हैं। और ये हैं मज़ेदार से चिकन मलाई टिक्के, इसको मैंने मसाला यहाँ पर लगा दिया है, और अभी एक बैच रह गया है, और ये जो जितना इसका मसाला बचा है मलाई टिक्के का, इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि इसको हम अच्छे से फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम भूनेंगे, ताकि वो मज़ेदार सा एक मलाई सा जो है ना मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं चिकन मलाई टिक्का और बीफ बिहारी बोटी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट बैच जो है वो बन रहा है, और हस्बैंड बना रहे हैं भाई के साथ। और यहाँ पे एक सीख हम लोगों ने पहले रेडी कर ली थी, जिसको हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया है, और ये बहुत मज़े की बनी है, डिलीशियस बनी है बहुत। बस यहाँ पे बनता है अब बारबेक्यू, मज़ा आता है। बकरीद में ही ज़्यादातर आपको पता है कि बारबेक्यूज़ हो रहे होते हैं, और फिर इस चीज़ों में आता भी ज़्यादा मज़ा है इसलिए। और यहाँ पे ये मसाला मैंने मामा ने फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के भून लिया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बारबेक्यू बीफ बिहारी बोटी है वो रेडी हो गई है, और अब भाई जो है उसको हॉट पॉट पर निकाल रहे हैं दोनों। बस इसके बाद फिर अब जो इस बारी आएगी वो आएगी चिकन मलाई टिक्के की बारी, क्योंकि आपको पता है कि चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती है, तो इसलिए फिर चिकन हमने कहा कि हम एंड में बनाएंगे क्योंकि वह बहुत जल्दी से बन जाएगी। और अब यहाँ पे बीफ का आखिरी बैच की तीन सीखें हैं वो रखी हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे चिकन मलाई टिक्के की हमने कर दी है प्रिपरेशन स्टार्ट, मतलब उसको हम बना रहे हैं आप। और बस मज़ा आता है, मतलब फैमिली गेट टुगेदर ऐसी हो जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता ऐसी फैमिली गेट टुगेदर के लिए, तो बस संडे का ही वो वाहिद दिन होता है जहाँ जब हम लोग कोई ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं। तो बस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा भाई हॉटपॉट लेके बैठा हुआ है, और ये किसी को भी नहीं दे रहा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या है। 1 मिनट कि देखें कितने मज़ेदार सी इसके अंदर बूटियाँ हैं। बारबेक्यू वगैरह बन गया था, और अब यहाँ पे तैयारी हो गई है दस्तरखान की। हस्बैंड गुलाब जामुन लेकर आ गए थे गर्म वाली, और बस मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये है हमारी बहुत मज़ेदार सी बीफ की बिहारी बोटी, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और ये हैं मज़ेदार से चिकन मलाई टिक्के, कितने यम लग रहे हैं ये, और इनका मसाला जो हमने फ्राई पैन में फ्राई करा था वो भी बहुत मज़े का था। और इसके अलावा मामा ने मगज़ फ्राई भी बनाया था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी किचन में, टेरेस जो मामा का जहाँ पर उसी के साथ ही वहीं पर किचन भी है, तो वहाँ पे हम लोग मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और भाई जो है मेरा वहीं टेरेस पे सेवर चेंज कर रहा था, और उसको इतनी बुरी तरह से करंट लग गया कि वो एकदम से चीखा, और उसने सेवर छोड़ा नीचे, पूरा सेवर जो कांच का वो सब टूट गया, चूरा चूर हो गया। तो बस मैंने जल्दी से मोबाइल ऐसे ही स्लैब पे रख दिया था, और आई थिंक वो शायद उसकी वीडियो वहीं पर किसी बच्चे से या किसी से ही बंद हो गई वो, तो वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और अल्लाह का शुक्र है मेरा भाई ठीक है, वो एकदम से जो है उसका फिंगर पे वो हो गया था, हल्का सा उसके फिंगर से ब्लड भी आने लग गया था, तो हम लोग बहुत जब वो चीखा ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो बस उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गई। उसके अंदर गुलाब जामुन की क्लिप भी थी और मगज़ की क्लिप थी, तो बस क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे अब जब डिनर वगैरह हमारा सब डन हो गया है, और अब यहाँ पे बन रही है कोयले वाली चाय, अब हम पियेंगे चाय। Thank you.
हैं, 12 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ अब घर। सब दावत, हमारी दावत क्या कहेंगे, मतलब एक गेट टुगेदर था हमारा, मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया वहाँ पे। और अब मैंने आप आके कर लिया है चेंज, और मैं आपको दिखाती हूँ मेकअप का क्या हशर हुआ हुआ है। मैं जब तैयार होके गई थी तो हम थोड़ा सा लेट हो रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने मेकअप ऐसे ही बस रख के चली गई थी। और अब मैं जल्दी से यहाँ पे सारा मेकअप कर लेती हूँ, जल्दी से सेट। और मुझसे किसी ने वीडियो में वैनिटी टूअर का बोला था, और किसी ने फाउंडेशन का शेड पूछा था, तो आप लोग ज़रूर वेट करें, मेरा कुछ मेकअप ऑनलाइन अभी आना रह गया है, वो आ जाता है तो मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट टूर शेयर करूँगी, सारे शेड्स भी बताऊँगी। जब तक के लिए चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।